दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं योर ऑनलाइन पार्टनर। यहां पर एनआईएस डीएलएड के प्रशिक्षण को लेकर कुछ खबर आई है आज के यहां पे न्यूज़ में। तो दोस्तों पूरी जानकारी हम यहां पे आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों ये खबर है महासमुंद से, जो कि इंडियन कॉलेज ऑफ एजुकेशन बेलसोंडा को एनसीईआरटी रायपुर द्वारा महासमुंद ब्लॉक के अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण केंद्र घोषित किया गया है, जिसमें सभी एनआईएस पाठ्यक्रम में पंजीकृत एवं पात्र अप्रशिक्षित शिक्षक शिक्षिकाएं अपने शिक्षक सत्यापन प्रपत्र को संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य, प्रधान पाठक या नियंत्रणकर्ता अधिकारी से हस्ताक्षर कराकर, एवं साथ ही यहाँ पे पूरी लिस्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आपको रखनी है। दोस्तों चूंकि ये खबर छत्तीसगढ़ की है, तो उन लोगों को यहाँ पर 26 आज लास्ट डेट है, उन लोगों को लेकर जाना है। और साथ ही साथ जो दूसरे राज्य के भी कैंडिडेट हैं, मैं उनको भी सलाह दूंगा कि ये सब चीज़ें कृपया आप अपना तैयार रखें, और जैसे ही आपको न्यूज़ आएगी वहाँ पे आपको जो है आगे ले जाना है, और हम आगे उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो ये जो खबर है यहाँ पे कहा जा रहा है कि दोस्तों सबसे पहले तो ये जो सत्यापन पत्र छत्तीसगढ़ में निकला है, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बताया है, आप वहाँ से पूरी जानकारी ले सकते हैं। वो सत्यापन पत्र आपको प्रधानाचार्य से हस्ताक्षर करवा के रखना है, और साथ ही साथ 10वीं एवं 12वीं का जो प्रमाण पत्र है उसकी मूल प्रति और फोटोकॉपी। तो यहाँ पे 10वां और 12वां का जो आपका सर्टिफिकेट है उसका आपका जो मेन जो है प्रति है, प्रमाण पत्र है, वो ओरिजिनल प्रमाण पत्र लेना है, और साथ ही साथ उसका फोटोकॉपी करा के रखना है। और उसके साथ साथ आपको रंगीन पासपोर्ट साइज की फोटो ये भी यहाँ पे लाने को कहा जा रहा है। तो टोटल यहाँ पे चार चीजें हो गई। पहला हो गई सत्यापन पत्र प्रधानाचार्य के सिग्नेचर के साथ साथ, और दूसरा हो गया आपका 10th का प्रमाण पत्र ओरिजिनल और फोटोकॉपी, तीसरा हो गया 12th का प्रमाण पत्र ओरिजिनल और फोटोकॉपी, चौथा हो गया रंगीन पासपोर्ट साइज की फोटो। ये चार चीज यहाँ पे लेना है। और चूंकि ये छत्तीसगढ़ के लिए 26 दिसंबर यानी कि आज का लास्ट डेट है, तो 26 दिसंबर तक कार्यालय के जो है समय में जाकर वहां पर महाविद्यालय इंडियन कॉलेज ऑफ एजुकेशन बेलसोंडा में आकर अपना प्रवेश एवं पंजीयन करा सकते हैं। और इसकी संपर्क कक्षा जैसे मैंने पहले बता दिया था कि अगर आप छत्तीसगढ़ से बिलोंग्स करते हैं तो 26 से 31 दिसंबर तक आपकी संपर्क कक्षा आयोजित की जाएगी। और दूसरे स्टेट की जहां तक बात है, तो आप लोग अपना जो ये सब सर्टिफिकेट है, ये सब चीजें अपना जरूर आप अपने साथ रखें, और जैसे ही कोई न्यूज आएगी आगे अपडेट, हम बिल्कुल आपके साथ जुड़े हुए हैं, आप हमारे वीडियो पर नजर रखें, और जैसे ही कोई अपडेट आते जाएगी हम आपको बताते जाएंगे बाकी दूसरे स्टेट के बारे में भी। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद और ऑल द बेस्ट आप लोगों को आगे के लिए। यहाँ पे संपर्क कक्षा के बाद जिस तरीके से प्रोग्राम की शुरुआत होगी और आगे पढ़ाई होगी, और असाइनमेंट हो या वर्कशॉप हो या जो स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज है, वो सब चीज़ें यहाँ पे चलेगी। तो आगे की सभी जानकारी के साथ बाकी स्टेट के लिए भी हम यहाँ पे आपके साथ जुड़े रहेंगे। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो, हमारा प्रयास पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आगे अगर आप अपडेट चाहते हैं तो वीडियो को जरूर, यहाँ पे वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन है, वहाँ से आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसे जरूर कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बेल आइकन दबा दीजिए। इससे क्या होगा कि आगे कोई भी वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल मुफ्त में आपके मोबाइल पर मिलते रहेगा, और आपसे कोई भी खबर छूटे नहीं। तो मिलेंगे नए वीडियो में, दीजिए इजाजत, बाय बाय, जय हिंद।